भी को वहां पे क्या करना, इस वाले बैकग्राउंड को वहां पे ओपन करना, ठीक है। और मैं यहां पे जो भी करना है इस फोटो टेक के लिए बैकग्राउंड पे, जो वो सारे क्लिक कर आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेने के बाद आप सभी को ऐड फोटो में जाना, और ऐड फोटो में जाने के बाद मोबाइल फ्रेम पीएनजी को यहां पे ऐड करना, जैसे कि मैं यहां पे कर लिया हूं। तो आप सभी इस मोबाइल फ्रेम पीएनजी को ऐड कर लेना, और ऐड कर लेने के बाद आप सभी ऊपर यहां पे क्या करना कि आप सभी को यहां प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है, आप सबको इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, और यहां ऐड फोटो में जाना है। और जाने के बाद आप लोग जो इंस्टा अपने इंस्टा प्रोफाइल का जो लोग स्क्रीनशॉट, आप लोग वो स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद लाने के बाद इस टैप से मोबाइल को फिक्स करना, ठीक है। और इस टैप से फिक्स कर लेने के बाद आप सबको सिंपल जो है इधर के साइड में आप सबको एक लेयर दिख रहा होगा, लेयर का ऑप्शन ऑपेसिटी फुल रखते हैं, और इधर लेयर का ऑप्शन, इस पे जाना है। और ये इस लेयर पे क्लिक करने के बाद आप सभी क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मूव डाउन, तो मूव डाउन कर देना सिंपल। तो ये आपका जो स्क्रीनशॉट रहेगा भाई इंस्टा अकाउंट का प्रोफाइल का, वो आपको मोबाइल फ्रेम के पीछे चला जाएगा। सो इस स्टेप से ये स्टेप कंप्लीट कर लेने के बाद आप सभी को फिर से चले जाना ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को एक शैडो पीएनजी को ऐड कर लेना, जैसे कि मैं कर लियो। तो इस शैडो पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद आप सबको यहाँ पे मोबाइल जहाँ पे आपने रखा भाई इस टैप से लगा दें, ताकि रियल लगे भाई कि हाँ सच में यहाँ पे मोबाइल इस टैप से रखा हुआ जमीन पे। सो इस टैप से इतना शैडो इस टैप से फिक्स कर लेने के बाद आप सबको डन करना है। एंड गाइस इस टैप से इतना कर लेने के बाद आप सभी को फिर से चले जाना ऐड फोटो में यहाँ पे, और ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को ये जो मैंने फोटो का बनाया था भाई अपने इंस्टा प्रोफाइल के अंदर जो फोटो होता है उसका जो मैंने स्टेप से रोड टैप का बनाया था, सो आप सब अपना खुद का स्टेप से कैसे बना सकते हो, तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो स्टेप को बनाने के लिए आप सबको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो किया भाई पिक्सल एप एप्लीकेशन। सो आप सबको उस एप्लीकेशन को ओपन कर, जैसे कि मैं कर लिया, और उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इधर प्लस का आइकन जो इस पर क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी से आप लोग को अपने उस स्क्रीन शॉट को ऐड कर लेना, जैसे कि यहाँ पे कर लिया, और इसे क्रॉप करके कुछ इस टैप से इतना कर लेना, और सिंपल जो है यहाँ से डन करना। और इस टैप से कर लेने के बाद गाइज आप सभी को फिर इधर जब फोर्थ नंबर पे दिख रहा भैया लेयर टैप को बना हुआ, इस पे जाना और यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेना, ठीक है। और ये कर लेने के बाद आप सभी को फिर थर्ड वाला ऑप्शन में आना हो, यहाँ पे थ्री डिश टैप लिखा हुआ है, इस पे आना और इसे इनेबल कर देना, और नीचे की तरफ जाना और एक्स रोटेशन को यहाँ पे जो है आप सभी को एक्स रोटेशन को यहाँ पे 67 के आसपास रखना है भाई, 68 के आसपास ऐसा कुछ। उसके बाद सिंपल आप लोग को डन करना, और सेव वाला बटन पे क्लिक करके अपनी इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना, वेरी हाई एंड सेव टू गैलरी। सो इस टाइप से सेव कर लेने के बाद आप सभी को फिर यहाँ पे क्या करना कि आप लोग जो आप लोगों ने बना लिया उसे आप लोग फिर पिक्सआर्ट के अंदर लाना, और यहाँ पे इस टैप से परफेक्ट अच्छे तरीके से सेव कर लेना। उसके बाद सिंपल आप सब यहाँ पे डन कर देना। सो मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ और डन कर लेता हूँ। सो आप सब तो ये कर लोगे, और ये इतना स्टेप कंप्लीट कर लेने के बाद, ये दो स्टेप कंप्लीट कर लेने के बाद आप सभी को इस टैप से जो आप रेडी कर लोगे अपना, उसके बाद फिर आप सभी को अपने फोटो को लाना है, जैसे कि मैं ला लिया हूँ। और ये जो फोटो है इसे मैं पहले से कट आउट करके रखा हूँ, तो अगर आपको कट आउट करना नहीं आता तो पर आई बटन पर वीडियो आ रही है, जाकर आप लोग ये वीडियो देख लेना, आप लोग कट आउट करना सीख जाओगे। मैं भी भाई वहीं से कट आउट करता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को वीडियो में बताया हूँ। सो इस टैप से अपने फोटो को लाने के बाद परफेक्ट अच्छे तरीके से यहाँ पे इस टैप से सेट कर देना, उसके बाद सिंपल आप सभी को यहाँ पे राइट वाले बटन पे क्लिक करके डन कर देना। सो ये भी स्टेप कंप्लीट हो चुका। उसके बाद हम लोग को फिर से चले जाना गाइस ऐड फोटो में। सो मैं चला जाता हूँ, और वहाँ से एक लाइक पीजिए भाई, ये वाला इंस्टा लाइक पीजिए इस टैप से, तो यहाँ पे इस टैप से इसे सेट कर देना। सो भाई आप लोग मुझे इस टैप पे फॉलो कर लो, आईडी भाई आप सबको दिख रही है भाई मेरे पीछे मोबाइल में लगा हुआ, तो आप सब वहाँ पहुँच जाओ, इस टैप पे आ जाओ। और एडिट करना तो वहाँ पे जरूर से मुझे टैग करना, ताकि मैं भी देखूँ आप सब कैसे एडिट करिए हो। सो इस टैप से करने के बाद आप सबको सिंपल अपने इस फोटो को फिर ड्रॉ टूट के अंदर जाने के बाद सेव कर लेना। एंड गाइस सेव कर लेने के बाद फिर आप सभी क्या करना, अपने इसी फोटो को फिर ओपन कर लेना लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो मैं कर लेता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, और लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना, एक ऑप्शन आता है भाई यहाँ पे, मतलब कलर वाले ऑप्शन में चले जाना आप सभी को, और यहाँ पे आप सबको विवरेंस को इंक्रीज कर देना, 90 रखना, 90 भाई 50 के आसपास रखना, ठीक है 51। उसके बाद चले आना फिर नेक्स्ट टूल में, और यहाँ पे आप सबको ऑरेंज कलर पे आ जाना जो सेकंड कलर है, और यहाँ पे सैचुरेशन हल्का सा माइनस करना है इसका, और ल्यूमिनेंस इंक्रीज करना। उसके बाद गाइस येलो कलर पे आते हैं हम लोग, सॉरी ग्रीन कलर पे, और ग्रीन कलर का ह्यू जो माइनस में रखना और सैचुरेशन इंक्रीज कर देना। उसके बाद आप सभी को फिर आ जाना ब्लू कलर पे, और इसका ह्यू जो माइनस में रखना हल्का सा और सैचुरेशन इंक्रीज कर देना भाई। उसके बाद आप सबको सिंपल नेक्स्ट टूल से डन करना, इफेक्ट वाले ऑप्शन माना, बिगिनर को आप सबको माइनस करना -25। उसके बाद टेक्सचर को इंक्रीज करना 4, क्लैरिटी को 6। उसके बाद चले आना फिर डिटेल वाले ऑप्शन में, जहाँ पे आप सब शार्पनेस को इंक्रीज करना, कलर वाले डायरेक्शन को इंक्रीज करना, और स्मूथनेस को फुल करना। स्विच टैप से सेट कर लेने के बाद आप सब बिफोर एंड आफ्टर फोटो का देख सकते हो। सो बिफोर एंड आफ्टर गाइस, बिफोर एंड आफ्टर, सो काफी
ooh.